नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग सीसेट को करेंगे। सीसेट किसका? जो है पीसीएस का आपका। और हर वीडियो में आपसे मैं यही कहता हूं कि सीसेट जो है आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन यदि आपने 7-8 साल के अगर प्रश्नों को अगर आपने हल कर लिया है, 6-7 साल के प्रश्नों को, तो यकीन मानिएगा कि जो है आपके प्रश्न जो है वहां से लगभग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत व्यवहारिक होते हैं और तो वो भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप उन प्रश्नों को जो है इग्नोर कर दोगे तो कोई वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप कम्युनिकेशन नहीं पढ़ के गए एक बात के लिए, ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बहुत ही व्यवहारिक रहेंगे। यदि आपने उसको ठीक ढंग से पढ़ा, यदि आपने ठीक ढंग से उसको समझा, तो यकीन रखिएगा कि उन प्रश्नों को आप हल कर पाने की स्थिति में रहेंगे। शर्त यही है कि आपको ध्यानपूर्वक जो चीजों को पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब आप जो है गद्यांश जब आप करते हो उसकी जब क्या कहते हैं उसके प्रश्नों को हल करते हो, वहां पर भी आपको बहुत ही शांत मन से चीजों को पूरे पैराग्राफ को पढ़ना होता है। चाहे वो पैराग्राफ आपका इंग्लिश वाला पैराग्राफ हो या फिर वो पैराग्राफ आपका हिंदी का हो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी तैयारी आरओ एआरओ के लिए भी है तो वहां पर भी आपको जो है हिंदी विषय पर क्या करना है, विशेष फोकस करना है। ऐसे स्थिति में सीसेट पर भी आप हिंदी वाले सेक्शन पर जोर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए आज हम लोग करेंगे 2021 के पीवाईक्यूज को सीसेट के, और पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड बताइए आप लोग को सीएम सर कराएंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग का चैप्टर जो होगा वो सीएम सर कराएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग कम्युनिकेशन को करते हैं फटाफट। ठीक है, तो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं समझते हैं थोड़ा बहुत तो जो हमारी पहली क्लास है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक आपको क्या हो जाएगा, एक आभास हो जाएगा कि क्या होता है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन जिसमें दो व्यक्ति क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, हालांकि बातचीत के दौरान कई प्रकार की क्या होती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि पूर्वाग्रह, जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, यानी कि मैं कौन हो गया, प्रेषक हो गया, और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, श्रोता हो गए आप। तो हमारे आपके कम्युनिकेशन में हो सकता है कुछ दिक्कत आए। एक प्रकार की दिक्कत बहुत खास प्रकार की दिक्कत होती है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आमने सामने क्या है, दो व्यक्ति क्या है, बातचीत कर रहे हैं। इसको जरा समझ लो, कई बार पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कौन हो गया, ये हो गया भैया प्रेषक, यानी कि जो बात बोल रहा है, और इसके सामने एक व्यक्ति बैठा है बी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका श्रोता, जो बातों को क्या कर रहा होगा, सुन रहा होगा। लेकिन इनके इनके बीच में क्या हो रहा है भाई साहब, कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखना कि इस संप्रेषण या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में यदि श्रोता के बी के अंदर क्या है, पूर्वाग्रह है। क्या है? पूर्वाग्रह है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई टीचर है, इनको कोई समझा रहा है, और इनके मन में इनके ए को लेकर के, जो प्रेषक है, इनको लेकर के कुछ पूर्वाग्रह है कि यह व्यक्ति सही नहीं है, इसकी बातें तो अच्छी नहीं लगती हैं, यह व्यक्ति तो गलत जानकारी देता है। तो क्या होगा, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहा होगा इस व्यक्ति से, सामने वाले से, लेकिन श्रोता के भीतर अगर उसके मन मस्तिष्क में अगर पूर्वाग्रह है तो उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण ये कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार समझाया आपको कि ठीक उसी प्रकार से यदि आपने मेरे प्रति जो है पूर्वाग्रह जो है धारित कर लिया है कि सर तो नहीं पढ़ा पाते हैं, या सर को नॉलेज नहीं है, या सर तो है, कुछ भी आपने धारणा अपने मन से बना ली है अपने मन में, तो क्या कहोगे, फिर क्या होगा, मैं कितना ही अच्छा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, मैं कितना ही अच्छा आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप पूर्वाग्रहों से क्या है, ग्रसित है। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कमेंट में, कई बार क्या होता है, मेरा अपना भी खुद का चैनल है, तो वहां पर मैं कई बार क्या होता है स्ट्रेटजी वीडियो और कुछ ऐसा डालता रहता हूं, तो वहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है बिना सुने पूरा वीडियो, मतलब दिमाग में उनको क्या लगता है कि सामने वाला का फेस जो है थोड़ा सा बच्चे सा लगता है, तो फेस की वजह से क्या लगता है कि कोई छोटा सा व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो वो ज्ञान वहां पर देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। वो क्यों होता है? वो पूर्वाग्रहों से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, यानी कि जब अनवांटेड आप कमेंट करते हो कहीं ना कहीं, तो वो क्या होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन फिर हो नहीं पाता है। आप हमारी बात को समझोगे, उसको उस पर मंथन करोगे, तभी प्रॉपर चीजें क्या हो पाएंगी, कम्युनिकेट हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के दौरान कई प्रकार की बाधाएं होती हैं जो उत्पन्न होती हैं, वो सारे बाधाएं क्या होती हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ये सभी आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है पूछा जाता है। जैसे एक शोर हो गया, एक क्या है प्रॉब्लम, क्या है बाधा, क्या है पूर्वाग्रह है, एक पूर्वाग्रह क्या है, शोर है, यानी कि नॉइज प्रॉब्लम है। ए वाला व्यक्ति कुछ बातचीत इससे कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है, बहुत आवाज हो रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि
इस तक प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी तो वही प्रॉब्लम है, या फिर इसके अलावा प्रॉब्लम और भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये बी वाला व्यक्ति इसकी बात को अनसुनी कर दे, क्या कर अनसुनी, अगर बी वाले ने इसकी बात को क्या कर दिया, अगर सामने वाले ने बात क्या करी इसकी अनसुनी कर दिया, तो अनसुनी करने पर क्या होगा, अनसुनी मतलब इग्नोर कर दिया इसकी इनकी बातों को, ए वाली बातों को बी वाले ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दिमाग कहीं और है, दिमाग कहां है, मैसेज पे है, चैटिंग पे है, फेसबुक पे है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होगी, मैंने कॉल किया था कॉल आ रहा होगा। तो अगर आप जो बी है यानी कि जो श्रोता है, अगर श्रोता प्रेषक की बातों को क्या करेगा, अनसुनी कर देगा अर्थात इग्नोर कर देगा, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के मध्य में क्या होगा, कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण नहीं हो पाएगा। संप्रेषण अर्थात जब दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है, बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है। बात समझ आ गई हमारी, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर, प्रतिपुष्टि यानी कि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यह प्रकार है किस, या कौन सा प्रकार है। तो बेसिकली हम इस पूरे को क्या कहते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे इंटरपर्सनल क्या, कम्युनिकेशन, आईसी इसको इन शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, यानी कि अंतरवैयक्तिक संप्रेषण इस पूरे चीज को बोलेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जहां पर समझाने वाला होगा वहीं पर आपको समझाया जाएगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो टू द पॉइंट है, मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूं। ये नहीं पता चले आप बाद में कहोगे सर तो समझाते नहीं यार, कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कुछ चीजें टू द पॉइंट होती हैं, वो टू द पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिख लेना होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब जैसे ये है कि प्रतिपुष्टि यानी कि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट एवं कार्य कुशलता जो स्किल्स होती है को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या क्या प्रकार है, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, अगर आप जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सॉरी अगर आपके भीतर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, अंतरवैयक्तिक अगर आपके अंदर क्षमता या कम्युनिकेशन है तो चीजें क्या होंगी, बहुत बेहतर होंगी। और अगर आपके भीतर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप कितना ही जानकारी वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी बातों का इंपैक्ट सामने वाले पर नहीं पड़ेगा, वो कम्युनिकेशन व्यापक रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल का होना भी क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है, कौन सा है। तो इसमें से अगर इसकी बात करेंगे तो करण विधि भी है, प्रयास एवं त्रुटि है, स्वतः शोध है, लेकिन एनाग्राम्स जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो नहीं है। यानी कि किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का जो तरीका है वो एनाग्राम नहीं होता है, बल्कि ये तीनों जो होते हैं वो होते हैं, ये नहीं होता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और एनाग्राम पे प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसको एक बार पिछले वीडियो में हमने समझाया, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है, भाई साहब बताओ। ठीक है, तो संप्रेषण है, अभिलेखन है, या इष्टतम है, या लयबद्ध मूल्यांकन है। तो सिंपल सी बात, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। सिंपल सी बात है, आप किसी के हैबिट्स को, किसी की चीजों को आप चेंज कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा चीजें उतनी क्या होंगी, बेहतर होंगे। सिंपल सी बात है ना, आप अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी के व्यवहार को अपने अनुरूप कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपका संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका क्या है, बढ़िया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर आपका बढ़िया है तो चीजों को आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया, क्या समस्या यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। क्या होगा, मानसिक स्थिरता के माध्यम से, या अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, या सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से। तो भैया ये क्या होगा, इसका आंसर जरा सोच के बताओ मुझे। क्या लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज इसेंशियली एन एक्सप्रेशन थ्रू, क्या होगा ये हो जाएगा भैया, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। क्या लिखा है, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण पर है, क्या ये हो जाएगा, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, यानी कि प्रॉब्लम स्पेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट लगे आपको कि इसको नोट डाउन करना है, इसको तुरंत क्या करिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया क्या है,
ये हो जाएगा आपका क्या व्याख्यात्मक या अंतक्रियात्मक या सहसामायिक या फिर सहकालिक अंतक्रियात्मक, तो ये हो जाएगा सहकालिक अंतक्रियात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ठीक है। जैसे बायो में एक क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, उड़ो लड़ो करके है ना क्वेश्चन, एक आता है ऐसा करके कुछ है समथिंग, ठीक है। तो उसी प्रकार के यह क्वेश्चन है ना, एक बढ़िया सा बनाया क्वेश्चन उन्होंने, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, विभाजित करो और जीतो रणनीति का संस्करण है, कौन सा है, सादृश्यता, प्रयत्न एवं त्रुटि, साधन साध विश्लेषण या परिकल्पना परीक्षण। तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधन साध विश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कई अन्य उप प्रॉब्लम्स में, मतलब उसमें सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, फिर इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है और इस सॉल्यूशन के आधार पर जो है प्रॉपर तरीके से चीजें फिर बाद में की जाती है, यानी कि एक तरीके से क्या है कि समस्या का समाधान फिर बाद में जो है किया जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स को इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे उप प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बाद फिर मेन जो प्रॉब्लम होती है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक तरीके से सब चीजों का क्या किया जाता है, लिखा है विभाजित करो, यानी कि पहले क्या करो, प्रॉब्लम को क्या करो, डिवाइड कर दो, तोड़ो, ठीक है, विभाजित करो और जीतो, यानी कि इस प्रॉब्लम को डिविजन करके, यानी कि उसका डिवाइड करके फिर इसको इसका इसका सॉल्यूशन निकालो और फिर उसके आधार पर मेन समस्या पर जाओ और फिर उसको क्या करो, शॉर्ट आउट करो, ठीक है, यानी कि विभाजित करो और जीतो, यानी कि पहले एक बार डिवाइड कर दो और उसके बाद क्या करो, विनर बन जाओ, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव, यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस होता है, पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाएगा। कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई समस्या उसके सामने है और उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकालता है, वो पूर्वानुभव के अनुसार उसका कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो आपसे पूछा है तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास या अंतरण प्रभाव या फिर पुष्टिकरण पक्षपात। सिंपल सी बात है, इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मेंटल सेट। क्या, मेंटल सेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार भाई साहब पूछा गया है, तो मेंटल सेट क्या होता है ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पूर्वानुभव या एक्सपीरियंस के आधार पर करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम मेंटल सेट या फिर मानसिक विन्यास कहेंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, इंग्लिश में याद रखना जल्दी आसान रहेगा, मेंटल सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, अब देखो इसको भैया आप सब लोग प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं कि नोट डाउन यार करते चलो, ठीक है, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन का नोट्स प्रॉपर नहीं मिलता है आपको, जो पीआरक्यूज मैंने कराया है, जो जो पॉइंट्स बताए हैं हमने, उन उन पॉइंट्स को नोट करते चलोगे प्रॉपर तरीके से आपका बढ़िया नोट्स बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और पीआरक्यूज का अगर आपने नोट्स बना लिया तो सीसेट आपका रुकने वाला भाई साहब नहीं है, बिल्कुल श्योर मान लीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा, यानी कि जिसको हम पैरा लैंग्वेज में बोलते हैं, में सम्मिलित नहीं है। तो आवाज गुणवत्ता, मौखिक अंतःक्रिया, वाक गति, स्वर रमान, स्वरमान, तो यह हो जाएगा मौखिक अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द क्या राइट जो है आंसर, यानी कि वर्बल इंट्रैक्शन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्बल इंट्रैक्शन बोलेंगे। ये बिंदु भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पार्श्विक संप्रेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्श्विक संप्रेषण, आपसे बहुत बार पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है, बहुत बार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, याद आया हमने आपको डिवाइड कराया था औपचारिक वाले, उसमें क्या कहते हैं, मैंने कहा था एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, एक लेटरल कम्युनिकेशन होता है और एक डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, फिर हमने आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करवाया था, एक हमने कहा था अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है और एक हमने क्या कहा था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, कुछ याद आ रहा है भैया जी कि नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो फिर से रिमाइंड कर लो, कल की क्लास को देख लो या फिर, ठीक है, बताऊंगा आज मैं नहीं बताऊंगा, कल की क्लास जाओ देखो फटाफट, सब आप लोग को क्या चाहिए, पेट में सदा हुआ चाहिए कि सर हर दिन बता दे, नहीं पीवाई किस हो रहा है तो हर दिन हर चीज नहीं समझाई जाएगी, आप पिछले वीडियो को देखो और वहां से समझो,
या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इंटरनेट पर डालो और देखो कि पार्सिव संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, तो पार्सिव संप्रेषण में क्या होगा, बेसिकली पार्सिव संप्रेषण में क्या होता है, जब दो समान अधिकारियों के बीच में क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, समान संगठन या समान अधिकारियों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो पार्श्विक जो है कम्युनिकेशन यानी कि जो है क्या कहते हैं उसको लेटर कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो आता है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यही प्रश्न दो दो बार पूछा गया है इसी प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है संचार प्रभावी होगा यानी कि इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन कब, ऑप्शन नंबर ए धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए यानी कि कम्युनिकेशन जब अच्छा कब होगा, जब धीरे बोला जाए क्या तब अच्छा होगा होगा, या फिर उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, या फिर प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए, या फिर तत्काल प्राप्त किया जाए। बिल्कुल सही बात है, तत्काल प्राप्त किया जाए यानी कि जितना क्या होगा रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड इमीडिएटली यानी कि त्वरित जो है अगर आपके पास जो है चीजें आप आती हैं तो आप कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से कर पाओगे। एक बात मैं अभी बोलूं, एक बात मैं 10 घंटे बाद बोलूं, बीच में कुछ बैरियर्स आ जाए, नहीं, जब त्वरित चीजें आपके पास आती रहेंगी यानी कि इमीडिएटली रिसीव होती रहेंगी, तत्काल प्राप्त किया जाएगा संचार, तो क्या होगा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक, क्या माना जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि बेहतर कम्युनिकेशन यानी कि बेहतर संप्रेषण माना जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है समस्या पर निद्रा का एक प्रकार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। समस्या पर निद्रा का एक प्रकार क्या है, अमूर्तता का, संवेगात्मक अस्थिरता का, उद्भवन का, या फिर निष्क्रियता का, बताओ भैया जी क्या होगा इसका सही जो उत्तर होगा क्या होगा, इनक्यूबेशन। क्या होंगे, आप लोगों ने सुना होगा इनक्यूबेट, अगर शायद आप लोगों ने बीएससी एमएससी किया होगा तो आप पेटेड डिशेज वगैरह को क्या करते थे, इनक्यूबेट करते थे, इनक्यूबेशन करते थे यानी कि कुछ समय के लिए क्या करते थे, रख देते थे उसको। ठीक है, तो अगर कोई समस्या ऐसे ही क्या कह रहा है कि समस्या पर निद्रा का एक प्रकार क्या है, तो यह है उद्भवन का यानी कि इनक्यूबेशन का। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी प्रॉब्लम में क्या करें, उसको छोड़ करके हम उसको छोड़ देंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे उसको, फिर हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो हो जाएगा आपका क्या, इनक्यूबेशन। ठीक है, यानी कि समस्या पर निद्रा, समस्या उस पर हम सो गए, मतलब हम ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको सोच रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन और अच्छे से ढूंढ रहे हैं, जब वो हमें मिल जाएगा तो हम उसका क्या कहते हैं सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, मतलब सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, बात खत्म। ओके चलो नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया में, इसको एक बार जरूर देख लो, ये सब प्रश्न क्या हैं, थोड़े से अलग हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है और इजी हैं। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेर फेर करना कहलाता है, क्या कहलाएगा, निस्संदन यानी कि जिसको फिल्टरिंग बोलते हैं, ढीरतापरकता या विचलन या फिर अमूर्तता। तो संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जब, ठीक है, जैसे ए कोई व्यक्ति है, ठीक, बी तक कोई कम्युनिकेशन कर रहा है वो, और फिर क्या होगा, कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है, प्रेषक द्वारा क्या किया जाएगा, यहां पर सूचना को क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, हेरफेर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हेरफेर किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, तो कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर कहना हेरफेर करना कहलाता है निस्संदन अर्थात फिल्टरिंग, यानी कि ये जब यहां पर कुछ बाधा उत्पन्न हो रही हो ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन करने के बीच में, तो जो प्रेषक होगा अर्थात जो बोलने वाला होगा वो क्या करेगा, उसमें कुछ फिल्टरिंग करेगा, कुछ हेर फेर करेगा, ताकि इसकी बात बी तक क्या हो, प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहे। इसलिए उसमें क्या करेगा, कुछ फिल्टरिंग करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए आप फोन पे बात कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप फोन पे बात कर रहे होते हो तो सामने आते बात नहीं जाती तो आप क्या करते हो, गुस्साते हो, पहले तो चिल्लाते हो, कैसे बोलते हो यार, आवाज नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे गुस्सा, कई बार तो मतलब रिश्ता ही खत्म हो जाता है, नहीं ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन अगर समझदारी से इसको सुझाया जाए तो क्या होगा, हो सकता है आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम हो सकता है आपके फोन में प्रॉब्लम हो सकता है कि वहां पर नेटवर्क प्रॉपर ना पहुंच पा रहा हो, तो आप क्या काम करोगे, एक बार अपना ईयरफोन हटाओगे, फिर लगाओगे, एक बार नेटवर्क चेक करोगे, एक बार फ्लाइट मोड पर लगा के फिर ऑन करोगे, तब ना आवाज चेक करोगे, अब आप तुरंत ब्रेकअप देने लगो तो ये सोल्यूशन है नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जब ये जो आपने बीच में काम किया, नेटवर्क चेक किया, फ्लाइट मोड पे लगाया, ईयरफोन चेक किया, ये क्या है, ये है आपका फिल्टरिंग, कुछ उसमें चेंजेस आप कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो उसको, राइट। तो ये क्या होगा, यानी कि
संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना क्या कहलाता है? फिल्टरिंग कहलाता है, अर्थात निस्यंदन कहलाता है। ठीक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण, फिर कोई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण क्या कहलाएगा? पार्श्विक संप्रेषण कहलाएगा भाई साहब, यानी कि लेटरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेटरल कम्युनिकेशन। याद आया, हमने आपको कल समझाया था, क्या समझाया था? वर्टिकल कम्युनिकेशन, याद आया, फिर लेटरल बताया था, ठीक, फिर डायगोनल बताया था, याद आ रहा है, DAIA, डायगोनल बताया था, फिर वर्टिकल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन बताया था, अपवर्ड कम्युनिकेशन, और एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बताया था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो कल का जाओ वीडियो फिर से देखो, इसको पॉज करो, कल का वीडियो देखो। अब इसको मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं दो दिन इसको समझा चुका हूं ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संगठनों में अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन या कौन से कथन सही हैं, यह आपको क्या करना है? बताना है। ओके, तो पहला क्या है कि एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। यह बात क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। क्या लिखा है पहले? क्या लिखा है कि एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। फिर लिखा है एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर क्या हैं? सही हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट आंसर। ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? यानी कि क्या कह रहा है, एन इफिशियंट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, या फिर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफिशियंट। तो दोनों बातें क्या है, अपनी अपनी जगह पर क्या है, सही है, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। क्या लिखा है? समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि यूज ऑफ एनालॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मींस कि क्या तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था, इसका मतलब यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है, अंतरवैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्दत स्रोत क्या है? तो भैया ये है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि कमजोर संप्रेषण, इंटरपर्सनल, ठीक है, जो संघर्ष होता है, यानी कि जो अंतरवैयक्तिक जो संघर्ष होता है, उसका सबसे अधिक उद्दत स्रोत जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका भैया कौन सा? बी, यानी कि कमजोर संप्रेषण, यानी कि क्या? पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन, खराब बातचीत, एकदम खराब संप्रेषण। ओके, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? कौन सा है? तो रेखीय प्रतिरूप, या अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, या संव्यवहार प्रतिरूप, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? क्या लिखा है? संव्यवहार प्रतिरूप। क्या? संव्यवहार प्रतिरूप, यानी कि जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बेसिकली क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसैक्शनल मॉडल। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा सही, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर, संव्यवहार प्रतिरूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? ठीक है, यानी कि सचेतन श्रवण में कौन बाधा नहीं होता है? ठीक है, क्या है? पूर्व निर्णय, द्विक दृष्टिकोण, संदेश अधिभार, संदेश जटिलता। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विक दृष्टिकोण, और द्विक दृष्टिकोण भी एक दो बार आपके एग्जाम में क्या है, पूछा गया है, इसलिए द्विक दृष्टिकोण को भी आप लोग क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। तो सीधे अपने नोट्स में आप लिख लीजिए कि द्विक दृष्टिकोण सचेतन श्रवण में क्या करता है? बाधा नहीं होता है, बल्कि आपकी जो बाकी दिए हैं क्या है, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है मानसिक चित्र प्रतिकृति में, या मानसिक पृष्ठभूमि में, या फिर बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में, या आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है वही क्या हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है, अब बताओ भैया ये व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर व्यक्ति यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, व्यस्त होता है। ठीक है, तो 80 से 90 या 60 से 70 या 100 से 100 या 100% या 40 से 50, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80-90% क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विवाद सदैव समाहित होता है कहां पर, मतभेद में। भाई सिंपल सी बात है, मतभेद में, डिसएग्रीमेंट, यानी कि अगर अगर क्या है, अगर मतभेद है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई साहब, विवाद तो होगा ही। अगर मतभेद नहीं होगा तो विवाद नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो ही पूछा है कि विवाद सदैव समाहित करता है किसमें, मतभेद में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, सक्षमता संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा है उत्तर है इसका। और अगर आप चारों ऑप्शन पर नजर दौड़ाओगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है यानी कि इसको क्या कहेंगे, अंतरव्यक्तिक कौशलों का यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स, यही है सक्षमता संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है क्या है, अंतरव्यक्तिक कौशल क्या है, एक प्रभावी भंडार आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, अब आगे निर्णय क्षमता पर थोड़ा सा, दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद, ठीक क्या हो रहा है कि दो समांतर टीमों के बीच, ठीक है, फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम यानी कि जो विजेता टीम जो है जीतने वाली थी, या एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यानी कि दो टीमों में मैच हो रहा है और एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि ए, एक टीम ए है, एक टीम क्या है, बी है, ए वाली टीम क्या हो गई, जीत गई। तो एक जो व्यक्ति है एक्स नाम का, वो इस टीम को देख करके कह रहा है कि मैं तो जानता ही था कि ये वाली टीम जीतेगी ही जीतेगी। तो प्रश्न वही आपसे पूछ रहा है कि ऐसा किस आधार पे कहा उसने, उसका क्या बेस है भाई साहब, बताओ। तो समूह सोच का, अवचेतन समस्या समाधान का, त्रुटिपूर्ण मैतक के प्रभाव का, या पश्च दृष्टि अभिनेति का। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसने अपने पूर्वानुभव के आधार पर या उसकी जो एनालिसिस रही होगी पहले, उसी एनालिसिस के आधार पर उसने कहा कि मैं तो जानता ही था कि यही ए वाली टीम क्या होगी, जीतेगी, यही प्रश्न में कहा है आपसे। ठीक है, इसको देखकर कहता कि मैं जानता था कि जीत जाएगी। ठीक है चलो, क्योंकि उसकी अपनी एनालिसिस रही होगी कि भाई इस टीम में कौन कौन से लोग हैं, किस प्रकार खेल रहे हैं, पिछला खेल खेला उन्होंने तो किस प्रकार से खेला, अगर सुधार किया तो अच्छा सुधार किया तो इसलिए जीत गई ये टीम, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी एनालिसिस जो थी उसी के आधार पर उसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर क्या कहा जाता है, सामाजिक संभाव्यता, समायोजन संभाव्यता या आत्मनिष्ठ संभाव्यता। बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन, आत्मनिष्ठ संभाव्यता, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव क्या प्रोबेबिलिटीज, क्या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, यानी कि निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर क्या कहा जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, यानी कि आत्मनिष्ठ क्या संभाव्यता इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर कुछ चीजों को सोच रहे हैं फिर उस पर डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट है, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन से कथन सही है, मानवीय तार्किकता सीमित है, या कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो भाई साहब ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि मानवीय जो तार्किकता है क्या है, लिमिटेड है। ओके, और दूसरा वाला भी क्या है, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और दो यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है अभिसारी चिंतन से, समूह सोच से, सक्रिय श्रवण से, या अपसारी चिंतन से। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो सृजनात्मक समस्या समाधान है वो संबंधित किससे है, अपसारी चिंतन से क्या है, संबंधित है। ओके चलो, नेक्स्ट है, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए, क्यों होना चाहिए निर्णय लेने का उद्देश्य, सही विकल्प का निर्धारण या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। बिल्कुल सही बात है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का, जैसे कि इसको इस बात से समझो कि आपके सामने कोई प्रश्न आ गया है एग्जाम में आपके, ठीक है, प्रश्न नंबर एक है जिसमें से ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक, अब देखो कई बार क्या होता है कि हिंदी में, मोस्टली हिंदी में या किसी अन्य उसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन इनमें से क्या होगा, लगभग लगभग क्या होगा, सही होगा, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा, यानी कि ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। हिंदी में अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रश्न दिया है डॉट डॉट डॉट, उस प्रश्न का उत्तर ए भी होता है बी भी होता है, लेकिन जो सबसे नजदीकी जो उत्तर होता है वही माना जाता है, यानी कि अगर ए वाला सबसे नजदीक उत्तर ऑप्शन है तो ए वाले को ही क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का आप चयन करोगे कि भाई नहीं यही बेस्ट है यही चुना जाएगा, यानी कि बी वाला सिमिलर है तो क्या होगा कि समस्या समाधान में क्या होगा, आप जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करोगे जिससे प्रॉब्लम क्या हो, शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि निर्णय लेने के उद्देश्य क्या है, यानी कि जब भी आप डिसीजन लोगे तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का बेस्टेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको चूज करोगे। ठीक है, टू मेक द बेस्ट चॉइस। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रभावी समस्या समाधान क्या, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है क्या, विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना या पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना या तो नहीं, नहीं अब आगे मत पढ़ो, यही सही उत्तर है बी वाला। क्या कि प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग क्या है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को क्या करना, संतुलित करना, यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आगे भैया हम लोग क्या हिंदी पे, ये जो प्रश्न है ये आपके अक्सर जो आपके वनडे एग्जाम्स आप देखते हैं देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट का एग्जाम होता है या फिर उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न अक्सर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो विराम चिन्हों के बारे में आपको जानकारी बेसिकली क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सारणी फर्स्ट है जिसका मिलान आपको करना है बेसिकली। ठीक है, तो अब बताओ कि अल्प विराम, बताओ कि अल्प विराम कौन सा हो जाएगा इसमें से, अल्प विराम क्या है, अल्पविराम तो बहुत आसान है भाई साहब, अल्पविराम तो यही होगा ऑप्शन नंबर क्या थ्री, ऑप्शन नंबर क्या थ्री है, ये अल्पविराम, अल्पविराम से लगाते हैं जैसे मैं खाना खाने जा रहा हूं अल्पविराम, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जहां पर रुक रहे हो आप, थोड़ा सा रुक रहे हो, हल्का सा रुक रहे हो, अल्पविराम थोड़ा रुक रहे हो। ठीक है, और फुल स्टॉप कहां पर, पूर्ण विराम, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, यानी कि अब यहां पर बात आपकी खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे होता है। चलो कोष्ठक, बहुत कोष्ठक तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, बहुत आसान है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा कोष्ठक, मैथ में तो कोष्ठक पढ़े होगे ना, ए कोष्ठक में बी कोष्ठक में, ऐसे नहीं पढ़े हो, तो ये कोष्ठक हो गया सी। अब अगर देखो कि दो ऑप्शन अगर आपको पता है तो क्या देखो क्या कोई मैच हो रहा है, तो ए का तीन देखो किसमें है, तो ए का तीन इसमें है, इसमें है। ठीक, आगे देखो बी का फोर किसमें किसमें है, तो बी का फोर देखो भैया इसमें तो नहीं है, इसमें है बी का फोर, तो यानी कि अगर बी का फोर है तो दो ऑप्शन मिल गए, बाकी दो ऑलरेडी मिल जाएंगे, बस सही होगा सही उत्तर। तो अब क्या हो जाएगा, अब सी का दो हो जाएगा, क्या सी का आप क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और जो है डी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि डी का एक, ये क्या हो जाएगा, योजक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजक, क्या है ये, योजक। तो बस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समझ आ गया, चले आगे बढ़े। फिर है उत्कर्ष का विलोम है क्या, बहुत आसान है, बताओ उत्कर्ष का विलोम नहीं जानोगे क्या है, अपकर्ष है यार, सिंपल सी बात है, सी है इज द राइट आंसर। आजीवन में समास कौन सा है भाई साहब, ठीक, अब देखो समास से एक बात याद रखना, मैं फिर से कह जा रहा हूं, एक कर्मधारय समास, क्या कर्मधारय समास, मैंने कल आपको बताया था कर्मधारय समास, ठीक, एक द्विगु, एक द्विगु समास, क्या द्विगु समास, ठीक है, और एक अव्ययी भाव, ये वाला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, कई बार आपके एग्जाम में क्या है पूछा गया सीसीएट में, इसलिए इस तीन को कर लीजिएगा रेडी, और द्वंद्व समास तो आसान है, इसको भी हो जाएगा आपका, ये तीन समास आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खासकर ये जो कर्मधारय समास है यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो कर्मधारय समास को क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो आपका अव्ययी भाव समास होता है क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, अव्यय और संज्ञा के जो है योग से बनता है, किससे, अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, और प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद इसका क्या होगा, प्रधान पद होता है, प्रथम पद क्या होगा,
प्रधान पद होगा, इसको पूर्व पद बोलते हैं, ठीक है, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है जिजीविषिका, जिजीविषा का अर्थ क्या है? कल भी हमने आपसे प्रश्न पूछा था, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा बहुत, और हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न कई बार क्या होता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, बताओ जी, तो इसका अर्थ क्या होगा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल इच्छा, तो इसकी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा। और बताओ जीतने की इच्छा को क्या बोलेंगे भैया जी, कल भी हमने आपसे प्रश्न पूछा था इसका, बताओ फटाफट कि जीतने की इच्छा को क्या कहा जाएगा, जीतने की इच्छा को क्या कहा जाएगा, जिगीषा, क्या, जिगीषा, याद कर लो इसको भी आप लोग फटाफट, क्या, जिगीषा, ओके। चलो ये कई बार आपके आरओ एआरओ में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, और अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा। चलो नेक्स्ट है उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो क्या है ये बेसिकली क्या है, उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि ऐसे में क्या होता है, जब जहां पर क्या होता है, जहां पर दो क्रियाएं बेसिकली हो रही होती हैं, क्या, दो क्रियाएं हो रही होती हैं, तो जो पहली क्रिया होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो पहली जो क्रिया होती है जो पूर्ण हो गई होती है उसको बोलते हैं पूर्वकालिक, क्या, पूर्वकालिक। तो क्या है, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये नहाकर जो है वो क्या है, पूर्वकालिक, यानी कि यहां पर क्या हो रही है, दो क्रियाएं संपन्न हो रही, एक नहाना हो रहा है और एक क्या हो रहा है, भोजन करना हो रहा है, तो दो क्रिया हो रही है, उसने नहाकर यानी नहा लिया, एक क्रिया कंप्लीट हो गई, दूसरा फिर क्या किया, उसने भोजन किया, नहाया और फिर क्या किया, भोजन किया, तो भोजन किया क्या हो गया, दूसरी क्रिया हो गई। तो जब एक साथ दो क्रिया हो रही होती है तो जो पहली क्रिया होती है बेसिकली जो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम पूर्वकालिक, जैसे जैसे कि क्या, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, फिर उसके बाद दूसरी क्या कुछ इसमें जोड़ दो, मैंने खाना खा लिया उसके बाद मैं स्कूल चला गया, ऐसा कुछ लिख दो, यानी कि जहां पर एक ऐसा जो है क्या कहते हैं वाक्य पूरा हो जहां पर दो क्रियाएं हो रही हो, ठीक है, और पहली क्रिया फिर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक। चलो नेक्स्ट है 34 नंबर, बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत आसान है भाई साहब, बताओ, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा, जैसे कि बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना, जैसे कि अभी जो है क्या हुआ था, पीसीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया था, पीसीएस के क्रैश कोर्स में सारी क्लासेस को क्या की गई थी, फ्री कर दी गई थी, यानी कि कोई चार्ज आपसे नहीं लिया गया था, सारा शेड्यूल आपको दे दिया गया था और सारी क्लासेस वहां पर कराई गई थी, जहां पर हमने आपको एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स को पढ़ाया था अच्छे तरीके से, याद है आपको, तो वो क्या है, वो उसको क्या बोलेंगे कि बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि अवसर था, हमने उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया, हमने उसको प्राप्त कर लिया, ओके। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है गमन शब्द को विपर्यार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, बहुत आसान है, तो गमन का क्या कहते हैं, जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो होगा विपर्यार्थक आगमन, क्या, आगमन, गमन का आगमन, तो आगमन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बस हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है, तो भैया जी अगर इसको आप पढ़ोगे चार ऑप्शन, पहली बात तो पढ़ो फिर बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट मुझे बताओ, जल्दी बताओ, समय है आपके पास, क्योंकि बड़े शब्द हैं ये, और इसको आप पढ़ो फटाफट, क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी बताओ। तो इसका अगर आप पढ़ेंगे सही तरीके से तो आप पाएंगे कि जो ऊपर के जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत हैं, क्यों गलत है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए कि कहां पर मात्रा की गलती होती है, कहां पर जो है अन्य चीजों का ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसमें से तीन की गलत, तीन ऊपर चीजें क्या हैं, तीन वाक्यों गलत हैं, लेकिन जो डी वाला क्या है वो सही है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की क्या की है, रचना की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, स्वार्थ में तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्ध संधि या गुड़ संधि, तो दीर्घ संधि है इसमें, और हमने आपसे कहा था कि दीर्घ संधि और स्वर संधि को क्या करिएगा, अच्छे से क्या करिएगा, रट लीजिएगा, और क्या होता था इसमें, क्या नियम होता था कि जब आ आ ई आ उ के बाद क्या हो, कोई आगे में नहीं बताऊंगा, बताओ कि क्या होगा,
ये फॉर्मूला क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मूला क्या होता है कि जब अ आ ई ई उ ऊ के बाद कोई क्या हो, कोई क्या है स्वर या दीर्घ आए तो उसका क्या हो जाता है, ये नहीं बताऊंगा, ये मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके आगे क्या सेंटेंस पूरा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताएंगे, क्योंकि भाई साहब अगर आप दीर्घ संधि नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। और मैंने कई दिन आपसे कहा है कि दीर्घ संधि और स्वर संधि को डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दीर्घ संधि तो बहुत आसान है, और दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताइएगा मुझे, ठीक है। चलो अकह समण दीर्घा, अकह समण दीर्घा किसका है बताओ फटाफट, याद आया कुछ कि नहीं याद आया, पल्ले पड़ रहा है, अकह समण दीर्घा अब बताना मुझे, ठीक है। इतना हिंट मैंने दे दिया है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, स्वार्थ का क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, और इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगी स्व प्लस अर्थ, क्या स्व प्लस अर्थ, ठीक। अब हमने संधि विच्छेद भी कर दिया, अब मुझे बताओ कि अब क्या होगा इसका, सब कुछ सही से चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है, तो खड़ी बोली अवधि बोली, भाई साहब अवधि बोली में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए आप, गलीचा पुर्तगाली है, आमदनी क्या है फारसी है, अंग्रेज फ्रेंच है, पादरी तुर्की है, तो ठीक है आमदनी क्या है फारसी है, ठीक है सही युग्म यही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब मुझे बताओ कि बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे सही होंगे, क्योंकि ये चीजें आप जो है इकट्ठा लिस्ट बनी हुई है, अगर आपने कभी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया होगा वहां से आप क्या करिए चीजों को रट डालिए, ओके चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आज का अर्थ नहीं है, ध्यान रखना अक्सर यहां पर त्रुटि आप लोग कर देते हैं, गलती कर देते हैं, आप क्या करोगे आज का अर्थ है कोई लगा चले आओगे, लेकिन पूछा है कि आज का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है आज का अर्थ बताओ, तो मोती नहीं होता है आज का अर्थ, बाकी जिसका जन्म ना हो उसको भी क्या बोलते हैं अज बोलते हैं, दशरथ के पिता भी अज कहलाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी क्या कहा जाता है, इनको भी बेसिकली अज कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, इसमें मतलब होता है ये भी होता है, लेकिन मोती अज का अर्थ क्या है नहीं होता है, तो सी वाला इसके अनुसार सही हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ओके चलो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची क्या है, देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भैया विबुध, क्या हो जाएगा विबुध। अच्छा किंकर किसको बोलते हैं, किंकर कई बार आपके एग्जाम पूछाता है, और मुझे यकीन है कि किंकर का तो भैया आप जानते ही होंगे, और नहीं जाने होंगे तो चुल्लू भर पानी लीजिएगा, उसमें क्या करिएगा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो बताओ किंकर का भैया क्या हो जाएगा, किंकर का पर्यायवाची बहुत आसान है, कमेंट करके मुझे फटाफट जरा बताओ कि किंकर का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हो सकता है वह आया हो, वाक्य है क्या है, हो सकता है क्या, कंफर्म नहीं है, लिखा है हो सकता है वह आया हो, श्योरिटी नहीं है, प्रेजेंट में है लेकिन श्योरिटी नहीं है, तो वह कैसा वाक्य है, अनिश्चित वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, या संभाव्य वर्तमान है, या पूर्ण वर्तमान है, संभाव्य संभावनाओं पर आधारित वर्तमान है, कि हां हो सकता है, क्या हो सकता है वह आया हो, संभावना है वर्तमान की कि हो सकता है वो आया हो, ओके चलो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कवयित्री घनिष्ठ या चिन्ह या फिर ईर्ष्या, बताओ भैया जी सही उत्तर क्या होगा इसका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर जरूर बताएंगे। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है इसमें से घनिष्ठ है, क्या है घनिष्ठ है, और यह भी एक बार प्रश्न में आपके आ चुका था कि उसमें घनिष्ठ क्या लिखा था, तो उसको सही करना था, ठीक है। तो आप बताओ कवयित्री को कैसे लिखेंगे भैया, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कवयित्री, यही ना होगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ची, और हा में नीचे क्या हो जाएगा रा लगेगा चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बताओ ईर्ष्या को कैसे लिखेंगे, फटाफट मुझे बताओ ईर्ष्या को कैसे लिखेंगे, तो ई, ये हो जाएगा ईर्ष्या का सही शब्द, ठीक है नोट डाउन कर लो इसको, कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ओके चलो बने आगे। और इसका क्या हो जाएगा कवयित्री, यानी क व ई त्री कवयित्री, ओके। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है भैया जी बताओ, हा के बाद, छ के बाद, क के बाद, श के बाद, बताओ मुझे फटाफट इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो छ क्या है बेसिकली, जो छ होता है छ ये वाला, ठीक है जहां पे वो लिखा हुआ है एक छ, ये क्या है बेसिकली
जो छ होता है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन व्यंजन है और ये बेसिकली कैसे बनता है, क प्लस श, क्या क प्लस श दैट इज इक्वल टू क्या छ, ठीक है। तो ये का के बाद आएगा, क्या सी के बाद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम तद्धो का शुद्ध युग्म है, यानी कि तत्सम और फिर उसका तद्धो, तो कौन सा है तत्सम और तद्धो, तो इसमें से क्या है, यह है अवस्याय, क्या है यह है अवस्याय तत्सम और इसका जो तद्धो क्या हो जाएगा ओस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओस हो जाएगा, बस यही सही है, बाकी सब नहीं सही है। ओके चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, ठीक है किसमें होता है, अनुकरण या निहत्था या व्याकरण या आगमन, तो क्या हो जाएगा बताओ इसका सही उत्तर, इसमें से जो है सी वाला इसमें उत्तर सही हो जाएगा, व्याकरण में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो कि वी आक, ठीक है ये आप देख लीजिएगा इसको कैसे होगा। नेक्स्ट है, अब गद्यांश है भैया, इसको आप लोग तुरंत क्या करो, वीडियो को पॉज करो और पहले इसको पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा नहीं तो टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो और फिर इसका उत्तर आपको क्या करना है बेसिकली देना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्या है पूछा जाता है कई बार, और यहां पर जब आप इस पैराग्राफ को सॉल्व करोगे हिंदी के इंग्लिश को, तो मैंने पहले भी कहा था मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत ध्यान पूर्वक आपको इसको पढ़ना होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से पांच पांच प्रश्न आते हैं, हालांकि 2021 में इंग्लिश वाले पैराग्राफ से चार ही प्रश्न आए थे, ठीक है, लेकिन पांच पांच प्रश्न आते हैं, यानी कि पांच दुना दस प्रश्न, दस प्रश्न आपके ऐसे हैं जो एकदम हलवा टाइप के होंगे जिसे आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि भैया उत्तर तो इसी पैराग्राफ में छिपा रहेगा, और अगर आप नकल देख करके भी मतलब अगर आप ना कर पाओ सही से कर पाओ नोट डाउन कर पाओ तो फिर क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। तो पैराग्राफ एक बार आप लोग पढ़ लो अच्छे से, फिर हम उसका उत्तर देखते हैं फटाफट, ठीक है चलो अब आते हैं कहां से, प्रश्न संख्या 47 से लेकर के 51 तक जो है आपको उत्तर इस पैराग्राफ के आधार पर देना है। चलो आगे बढ़ो, आत्मसंयम का तात्पर्य है, आत्मसंयम का तात्पर्य क्या हो जाएगा भैया, अपनी आत्मा पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर नियमन, अपने मन का वशीकरण या इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम, बस यही इसका सही उत्तर है, यह पैराग्राफ में दिया गया, कहां दिया गया आप लोग ढूंढिएगा इसको, ठीक है मैं बस आंसर ऐसे बता रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार पैराग्राफ इसको प्रश्न को पढ़िएगा और फिर पैराग्राफ में जाइएगा उसका उत्तर देखिएगा। चलो, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है, ये हाई स्कूल के एग्जाम में क्या होता था पूछा जाता था कई बार, ठीक है जब हम लोग हाई स्कूल में थे 2018 की बात है, जब मैं 10th क्लास में था 2008 में हाई स्कूल में संस्कृत थी हमारे पास, लोगों ने आर्ट लिया था, तो मैंने कहा यार मुझे तो आम बनाना भी नहीं आता क्या ही लूंगा मैं, गुड़गोबर हो जाएगा सारा सारा, फिर मैंने संस्कृत लिया था, लेकिन जो संस्कृत का जो मास्टर था बहुत मरघा टाइप के थे, वो मरघा टाइप मतलब बहुत मारते थे, गजब मारते थे, और जिस दिन संस्कृत की मेरी पहली क्लास थी और पहली क्लास में जितने धातु रूप होते हैं बालक से लेकर के राम से लेकर के जितने होते हैं जो भी आप सुने होंगे सब याद हो गया, आज भी याद है, सह तौते तम तो तान तेन ताभ्यम तई, और महेश्वर सूत्र जिसको लोग क्या कहते हैं महेश्वर सूत्र याद करने में समझ लो कि बहुत टफ काम होता है, महेश्वर सूत्र आप समझते ही होंगे क्या होता है ना, तो आई वुड रिलिक एवर्ड एवर्ड हैवरट, ठीक है ऐसा सुना होगा ना, इसे सुना होगा, ये भी पूरा याद हो गया था, आई वुड रिलिक एवर्ड हैवरट इमैंगणम जवै गबरदस्त जब गर्दस कबरदस्तो कबै सस्सर हल, सुना होगा आपने, तो ये महेश्वर सूत्र भी उसी समय याद हो गया, सारे धातु रूप याद हो गए, नहीं तो इतना मारते थे वो, इतना मारते थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, सोच लो इतना मारते थे व्यक्ति, वो गजब आदमी थे, तिवारी सर थे हमारे वो, ठीक है हमारे प्रिय मित्र के फादर हैं वो, और अभी भी बहुत अच्छे हैं हालांकि, तो लेकिन संस्कृत उनकी पढ़ाई हुई थी, संस्कृत समझ लीजिए उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा दिया था, अगर संस्कृत से अगर आगे बढ़ना होता, अगर यूपीएससी में अगर ऑप्शनल अगर संस्कृत लेना होता तो शायद उधर सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि यूपीएससी में क्या है संस्कृत हो गया हिंदी हो गया ये सब भाषाओं जो होती जो लैंग्वेज वाली होती हैं इनमें बहुत अच्छा जो है मार्क्स गेन होता है। आपके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी संस्कृत अच्छी है ऑप्शनल यूपीएससी में संस्कृत लीजिएगा भाई साहब, ठीक है हिंदी लीजिएगा, हिंदी लिटरेचर लीजिएगा, हालांकि हिंदी लिटरेचर काफी टाइम से अच्छा चल रहा है, हो सकता है बीच में आप डगमगा जाए, बट अगर अभी आप स्टार्टिंग फेज में होंगे संस्कृत अच्छी होगी तो ऑप्शनल संस्कृत लीजिएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसके कई सारे कारण हैं, क्या कारण है बाद बताएंगे कभी, लेकिन है कारण इसका, ठीक है चलो। तो सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है, यानी कि इसको डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि स
तो स, फिर अ, फिर देखो ता है, फिर ता है, फिर द, फिर क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, यानी कि त, फिर त, फिर आ, फिर क्या है, फिर चा है, आधा चा है, फिर क्या है, यू, फिर उ, देखो चू, यानी कि उ त, बस हो गया, और आ, ठीक है, क्योंकि ता के बाद आ आएगा, तो स आ त, ता आ चा, यू उ त आ, बस हो गया, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आप समझ पाओगे इसको। ओके, चलो नेक्स्ट है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे जो है क्या कर रहा है, बना रहा है, सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, या संसार के सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, या असीमित लालसाओं को पूर्ण करने की चाह में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार या अकॉर्डिंग भौतिक पदार्थ क्या है, सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, या फिर केवल आनंद दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं ना आनंद दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या, सुख दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते हैं, और आनंद कहां से आएगा, आनंद आएगा जो है जब आप आत्मिक रूप से क्या होगे, संतुष्ट होगे, जो कि मनुष्य नहीं होता है। जब हम पैदल चलते थे तब साइकिल की आस होती थी, जब साइकिल आ गई तो बाइक की आस हो गई, जब बाइक आ गई तो उसमें भी और अच्छी बाइक की आस आ गई, जब बाइक वो भी अच्छी बाइक भी आ गई तो गाड़ी की आस आ गई, गाड़ी में भी क्या आ गई, सनरूफ वाली गाड़ी, फिर ऐसे ऐसे डिमांड क्या हो गई, बढ़ती गई। जब घर नहीं था, पहले गांव में घर था तो शहर में घर की इच्छा, शहर में घर के बन गया तो घर में और फिनिशिंग की इच्छा, घर में टीवी नहीं थी तो टीवी आ गई, फिर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आ गई तो रंगीन, फिर चाह रंगीन आ गई तो LCD की डिमांड, यानी कि डिमांड कभी इंसान की क्या होती है, भौतिक जो चीज़ों से उससे कभी सुख नहीं प्राप्त होता, ध्यान रखना कभी नहीं। आप लोग इसको व्यक्तिगत तौर पर भी लीजिएगा कि यदि आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ हो जाएगा आप सुखी रहोगे, नहीं भाई साहब, एक बार बताओ, 2-3 रोटी आपको खाना होगा मुश्किल से, थोड़ा सा चावल खाते होगे, दाल खाते होगे, और तो एक छोटे से बेड पर या डबल बेड पर क्या होते होगे, सोते होगे, क्या एक कमरा, एक डबल बेड और इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए होगा, गाड़ी पार्क करने के लिए आपके पास थोड़ा सा जगह स्पेस होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, बस इतना ही तो, लेकिन नहीं, 10 कमरे चाहिए, 20 कमरे चाहिए आपको, है ना, 3-3 गाड़ी चाहिए, 2-2 गाड़ी चाहिए, अलग अलग वैरायटी की गाड़ी चाहिए, भाई साहब नहीं होगा इससे, क्योंकि इससे सुख तो मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहां मिलेगा, आनंद स्रोत बह रहा है पर क्यों उदास है, टुक ज्ञान चक्षु खोल तू, जिसको तू ढूंढता है वो सदा तेरे पास, अर्थात आनंद तो आपको मिलेगा ईश्वर भक्ति में, दूसरों की मदद करने में, गरीबों की सहायता करने में संतुष्टि आपको वहां पर मिलेगी, संतुष्टि आपको इन भौतिक संसाधनों में नहीं मिलेगी। इंसान भौतिकतावादी जो है क्या है, सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या कर रहा है, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का भी क्षरण कर रहा है, और उसी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही है। ठीक है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट आ गया तो हमने कहा आपको थोड़ा सा समझा दें। तो हमेशा क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखना मेरी, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हमेशा सफलता से क्या, सफलता से महानता की ओर बढ़ना, क्या, किसकी ओर, महानता की ओर, ध्यान रखना। सफलता से क्या मिलेगा आपको, सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, सफलता से मिलेगा आपको सुख, और महानता से क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, यानी कि आप कल को ISPCS बन जाइएगा, RO बन जाइएगा, आपने सुख की प्राप्ति कर ली, मिल जाएगी सुख, लेकिन आपको अच्छा इंसान बनना है, महान इंसान बनना है, क्योंकि उसी से आपको आनंद मिलेगा, यानी कि जब आप सफलता से महानता की ओर अग्रसर होगे तब आप किसी की मदद करोगे, किसी गरीब के लिए कार्य करोगे, किसी की शिक्षा के लिए काम करोगे, तब उससे आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, और नहीं तो सफलता पे आकर अगर कांस्टेंट हो जाओगे, रुक जाओगे, अगर महानता की ओर अग्रसर नहीं होगे तो क्या होगा, जिंदगी भर आप जो है आनंद आपको नहीं मिलेगा, सुख तो रहेगा, सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, लग्जीरियस गाड़ी मकान सब रहेगा, लेकिन रात में लेटोगे तो सुकून अर्थात आनंद नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी करप्शन मत करना, कभी कुछ गलत कार्य मत करना। चलो 51 नंबर क्वेश्चन, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का बल प्रबल आकर्षण है मानवीय करुणा का कारण, या मानवीय सुखों का मूल कारण, या अमानवीय कृत्यों का कारण, या फिर मानवीय दुखों का मूल कारण। बिल्कुल सही बात, डी वाला ऑप्शन, मानवीय दुखों का मूल कारण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब आगे भैया हम लोग किस पे, इंग्लिश पे। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द
करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि ये लुक अप दैट हाउस, इसका भैया बताइए आप लोग क्या होगा, क्या इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस होगा, देखो मैं फटाफट इसको क्या कर रहा हूं बता रहा हूं, आप लोग इसको आपने रूम पे जो है बैठ के करिएगा इसको कि क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप, ठीक है, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो फटाफट, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा शब्द जो है लिखा है गलत है? तो बताओ एमिशन या इंस्टीट्यूशन या कलेक्शन या ट्रांसमिशन, क्या हो जाएगा सही इसका उत्तर भैया जी लोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी, ये गलत लिखा है। इसका क्या हो जाएगी स्पेलिंग? इसकी हो जाएगी टी आर ए एन एस एम आई डबल एस आई ओ एन, ट्रांसमिशन, ठीक है। और ट्रांसमिशन की हिंदी क्या होती है भैया? हस्तांतरण, क्या? हस्तांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरण। और ये इसकी क्या होगी हिंदी बताओ फटाफट, इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी महत्वाकांक्षा, क्या? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के तो हिंदी आप जानते ही होंगे बहुत आसान से, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान, संस्थान। और कलेक्शन मतलब एकत्र करना, एकत्र करना या इकट्ठा करना, बस हो गया, ठीक है, चलो। या संग्रह, इसको संग्रह भी बोल सकते, कलेक्शन मतलब संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनमें से आपको एक ऑप्शन यहां पर जो डैश लगा है यहां पर उसको चूज करना है, क्या होगा? नो सूनर डिड सी अराइव, क्या होगा? देन होगा, व्हेन होगा, देन होगा, दैट होगा, बताओ भैया जी लोग क्या होगा? फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका अंतर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया जी लोग ऑप्शन नंबर क्या, बी वाला, सी, सॉरी सी वाला नहीं, डी वाला नहीं, इसका सही उत्तर होगा देन, क्या लगेगा यहां पर? देन लगेगा। नो सूनर डिड सी अराइव देन दे स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, बस इतना होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्विस ए डे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा हटाएगा तो क्या लगेगा, कैसे लगेगा? सारे नियम और रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं भैया जी लोग? मैंने आपको कहा था कि एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक दैट मेडिसिन ट्विस ए डे। अब इसमें आप लोग प्रैक्टिस इसकी करिएगा, ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और एक क्वेश्चन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का आता ही आता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, चलो। नेक्स्ट है 56, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, क्या? पुट अप विथ, बताओ फ्रेज क्या है इसका पुट अप विथ का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेट, क्या? टॉलरेट, टॉलरेंस, तो और शब्द सुने होंगे इसको, हम लोग सहिष्णुता बोलते हैं, टॉलरेंस को सहिष्णु बोलते हैं, तो इसको पुट अप विथ का मतलब हो जाएगा टॉलरेट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब पैसेज आ गया, इस पैसेज के आधार पर जो है आपको इसका आंसर लिखना होगा। फिर से आप वीडियो को पॉज करिए, पूरे पैराग्राफ को पढ़िए क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, और चार क्वेश्चन इसके आधार पर आपको मिलेंगे, यानी कि 57 टू 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है, फटाफट देखो, चलो इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं खाली, देखो। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन ओनली हु विजिट देम, या द कमिंग जनरेशन, या फिर द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन, या फिर ऑल सिटीजंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भैया सी वाला, द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। बुक्स आर इंपॉर्टेंट, बुक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, उनके लिए काम आएंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिलाइट डज ए गुड बुक प्रोवाइड, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इट टेल्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ इट्स ऑनर, या इट हेल्प द ऑनर अर्न ए लॉट ऑफ मनी, या फिर इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सी वाला ही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, हाउ कैन वी कमेंड द बेस्ट वर्ल्ड लिटरेचर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाई परचेजिंग अ बैलून प्राइजिंग $2
ओनली, क्या बाय परचेसिंग ए वॉल्यूम प्राइसिंग $2 ओनली, $2 में केवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। आप देखो प्रश्न पढ़िएगा, फिर वीडियो को पॉज करिएगा, फिर जाके देखिएगा पैराग्राफ में इसका उत्तर कहां पे छिपा है, क्योंकि सब हम लोग ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ करके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्प्रिट इन द पैसेज मींस, इसका मतलब क्या है ये पूछा है कि बताओ भैया इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो सही मीनिंग होगा वो जाएगा द कंट्रोलिंग स्प्रिट, क्या द कंट्रोलिंग स्प्रिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का क्या पैराग्राफ, और यहीं से क्या होता है आपका 2021 का पीवा किस वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। अब बचते हमारे पास दो पीवा किस 2022 और 2023 का, ठीक है। उन दोनों को हम लोग शॉर्ट जो है जल्दी से फिनिश करके फिर हम लोग अगले जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हम अभी से इसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, बाकी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। डेली मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे जो है हमारी क्लासेस आती है, आप लोग उसको जरूर देखा करिए, ठीक है। वहां पर आपको GS करंट अफेयर्स और इसके अलावा SA और UPSC मेंस के लिए जो है एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिया जाता है, तो वहां पर जो है आपको काफी कुछ फायदा मिलेगा। 15-20 दिन क्लास करके देखिएगा, यकीन मानेगा कि आपकी स्टडी जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो डेली सुबह जो है 8 बजे मेरा करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा, ओके। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।